Nick! No! निकल निकल! अरे भैया तुम यहाँ कैसे पहुंचे? इस तरह मधुमक्खी शहद तक पहुंचती है। ये देख, इन सिक्कों में तेरे हाथों की मिठास सूंघते सूंघते यहाँ आ गया। अगली बार सिक्कों को अंदर डालने से पहले अपने पिजामे की जेब सिलवा लेना। कसर का नाती। भागता कहाँ है? लड़ मुझसे! अरे तो आशा चांस ले लेंगे हम। अरे तुम्हारे बारे में बहुत सुना है हमने। फिर कभी मिलान हो गया तुम्हारा और हमारा। रुक जा डरपोक। तुमने फिर आकर मेरा सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। बस उस हैवान हलवाई को पकड़ने ही वाला था। सॉरी सॉरी। नहीं यही तेरी बेवकूफी की सजा है। अब एक हफ्ते इस बोतल में कैद रहेगा ना तो तेरे होश ठिकाने हो जाएंगे। लगता है सर आ गए। सर गबरू मिला क्या? हाँ और वो हलवाई भी। साला भाग निकला। कौन? गबरू? हलवाई। गबरू तो ये रहा। सर आपने गबरू को इस बोतल में बंद कर दिया। पहले पिंजरा अब बोतल। अब वो एक हफ्ते तक इसी बोतल में कैद रहेगा। एक हफ्ता? हाँ ज्यादा है। नहीं सर बहुत कम है। अब चिंता तो मुझे उस हैवान हलवाई की है। आज तो मेरे हाथों से निकल भागा पर अगर वो शहर छोड़कर भाग गया तो मैं उसका पीछा नहीं कर पाऊंगा। क्यों सर? गुरु सत्याचार्य को जो वचन दिया था कि मैं शहर छोड़कर नहीं जाऊंगा। पर सर ये हलवाई है कौन? एक मामूली खोटे ईमान वाला हलवाई जिसने कहीं ना कहीं से तांत्रिक विद्या सीखकर काली शक्तियों को अपनी मिठाई की रेसिपी में मिला लिया। तब से अपनी खौफनाक मिठाइयों से लोगों को लूट रहा है। इट इज वेरी बैड सर। ना जाने अब वो कहां होगा। जहां भी होगा कुछ गलत काम ही कर रहा होगा। ठीक है आइए आइए जी आइए आइए। एक काम करो 10 किलो काजू कतली 10 किलो लड्डू और 15 किलो घेवर और ये मेरा कार्ड है यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए। आगरा में हैवान हलवाई ने जेवर की दुकान लूटी। विकराल कहाँ है? हीरों के व्यापारी की शादी मुंबई में है? मशहूर डायमंड मर्चेंट दमड़ीलाल मेहता के बेटे की शादी शेयर बाजार किंग प्रफुल्ल चंद शाह के बेटी के साथ है? शहर के सबसे बड़ी शादी। तब तो हलवाई वहां बधाई देने जाएगा ही और करोड़ों के माल और जेवर लूटे भाई। ये
आवा आवा, ये लो मिठाई और ये लो मावा। अरे हू सूत है वो, मिठाई वाला अभी तक आया ही नहीं। મે જોયું ઉપરથી હમણાં જ મીઠાઈ વાળો આવી રહ્યો છે। અરે વાહ, આવી ગયો। શર્માજી નમસ્કાર। હલો। અરે ભાભીજી, ઓ અરે બિટિયા કૈસન હો। जमीरीचंद जी, मैं मिसेस शाह बोलती हूँ। हाँ हाँ भाई, वो सुनो, वो 2 करोड़ के जेवर है ना, उसके साथ में वो 40 का हीरो का सेट भी भेज दो। परसों रिसेप्शन है ना भाई? ठीक छे ठीक छे। हाँ भाई, बद्दू काम पते गयो ने। हाँ हाँ, आओ। हेलो सर, सर मैं लिली बोल रही हूँ। आपका शक सही निकला, वो यहाँ पर पहुँच गया है। वेरी गुड, बस तुम उस पर नजर रखो, मैं वहीं पहुँचता हूँ। जी सर, प्लीज जल्दी आइए। आवा आवा, ये लो मिठाई। ऐसी मिठाई बनाकर लाया हूँ सरकार कि जिंदगी भर याद रखेंगे। ये लो मोती चूर का लड्डू, ये देखो बेटा इमरती। और ये खाओ, बर्फी खाओ, और ये काजू कतली खा लो। अरे जिलेबी का तो जवाब नहीं है भाई, खा लो। कितनी सरस मिठाई है, बहुत टेस्टी है। यस यस, खाओ खाओ बेटा। ठहरो ठहरो, अरे ठहरो ठहरो, अरे 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 ठहरो। मुकी दे मुकी दे, हमारे खानदान की परंपरा है, पहले दूल्हे का मुंह मीठा होएगा, उसके बाद सबका। ओ हलवाई भाई, तुम्ही समझे गए हो? पहले दूल्हे का मुंह मीठा होएगा, उसके बाद सबका। हाँ। ये परंपरा परंपरा कहाँ कह रहे हो सरकार, आप तो तनिक चख ही लो जी। नो 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 प्रीति, नो नो नो, मैं बोला ना, पहले दूल्हा आने की भावना के दिनेश का मुंह मीठा होएगा, उसके बाद हम सबका, बस। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अरे दूल्हे वाले आ भी गया। अरे वाह, दूल्हे वाले आ भी गए। आओ 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 आओ। पहले तो सिर्फ लड़की वालों को लूटना था, अब लड़के वालों को भी। प्रभु डबल बोनस। लगता है वो लोग आ गए। आओ आओ दिनेश, आओ। अरे वाह। हेलो सर, सर मैं लिली बोल रही हूँ, आप प्लीज जल्दी आइए ना, दूल्हा भी यहाँ पर आ गया है। आपकी बाइक तो कितनी जल्दी चलती है। क्या आपकी बाइक खराब हो गई है? अरे वाह 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 वाह, कोई नहीं, नहीं चले। क्या मेहता भाई, हाँ? ये बारात में इतने थोड़े लोग। दिनेश की जीत थी ना, पर देखना परसों रिसेप्शन में सारे शहर को बुलाया है। अरे वाह, मैं भी ऐसे ही की दो। आओ भाई, सब लोग इधर आओ आओ। चलो। क्यों दीदी, देख लिया आपने दूल्हे को? तुम लोग बहुत शैतान हो गए हो। अच्छा, तुम लोगों को अपने जीजा जी के जूते नहीं चुराने? हाँ हाँ, जा रहे हैं। यस, तो जाओ ना प्लीज। लेकिन पहले थोड़ी प्लानिंग तो कर ले। नाना करते भी इतना शादी में शोर शराबा हो गया। दिस इज नॉट राइट। चली गई। चल खाते। चलो खाते। वाओ। जीएसटी। तुम्हें कुछ हो रहा है?
बेटी। भावना 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 कोई है भावना परवीन भाई शादी का मुहूर्त जा रहा है, लड़की को बुलाओ। हाँ लड़की को बुलाओ ने। सर आप कहाँ हैं? सर प्लीज जल्दी आइए, 5 मिनट और। यहाँ भावना यहाँ। हितेश तू? वहाँ नहीं यहाँ भावना। तू? भावना यहाँ। मीठा करो। ठहरो परवीन भाई। क्या हुआ? हमारे खानदान की भी परंपरा है, दूल्हे को मिठाई वही खिलाता है जो अपने हाथों से खुद मिठाई बनाता है। अरे आमा सो प्रॉब्लम छे। ओ हलवाई भाई, दूल्हे राजा का मुंह मीठा करो। आओ अरे बिटवा। सर आ गए। सॉरी दोस्त, आज मेरा उपवास है। विक्रांत। हाँ हलवाई, आज तेरी दरिंदगी की डायबिटीज को खत्म करके ही रहूंगा। विक्रांत के ससुर, ये हमारी दूसरी और आखिरी मुलाकात है। ये तीन कौन है? लगता है इन्होंने हलवाई की मिठाई को चख लिया है। अरे विक्राल भाई, वो मेरे बच्चे हैं, उनको मत मारो विक्राल भाई, प्लीज उनको छोड़ दो, उनको मत मारो विक्राल भाई, प्लीज। हाँ पानी लगता है, पानी से इनका असली रूप वापस आ जाता है। नहीं, नहीं, क्या से? घबराइए मत। अरे हितेन प्रीति आजा। अरे हितेन मारो बेटो। अब हलवाई। लेकिन सर हलवाई है कहाँ? वो तो भाग गया सर। हलवाई अपनी मिठास को नहीं छुपा सकता, और अगर उस मिठास तक पहुंचना है तो जा मक्खी, हमें हलवाई तक लेकर चल।
एवान हलवाई, मुझे पता है कि तू यहीं कहीं छुपा हुआ है। आज विकराल तेरी दरिंदगी को इस आखिरी मुलाकात में खत्म करेगा। परिमाने की बर्फी, मक्काने की मिठाई, जादू की जलेबी, अब तो कमाल दिखाई। कारी की मिठाई भाई, हमारे सारे जायदाद, सारा सोना, जेवर, पैसा, सारा दुकान, मुझे छोड़ दो। वो तो देना ही होगा उनके असली मालिकों को लौटाने के लिए। लेकिन फिलहाल तेरी ये नहीं थी। ज्यादा मीठा खाना सेहत के लिए ठीक नहीं। बधाई हो सर, आपने एक और भूत को पकड़ लिया। बधाई है तो मिठाई खिलाओ। मिठाई किस लिए? ये लो, मेरी शादी पक्की हो गई है। अरे बुद्धू, अरे हलवाई को पकड़ने की खुशी में। सर, ये मिठाई इसी हलवाई की तो नहीं? अरे ये तो चंदू की हलवाई की है। ये लो, कुछ हुआ क्या? नो सर। अच्छा थोड़ा गबरू के लिए भी बचाना। सर गबरू? बेचारे को 7 दिन से कैद में रखा है, अब उसको निकालना होगा। नहीं सर, आप उसे बॉर्डर में ही रहने दीजिए, यहाँ पर कितनी शांति है उसके बिना। नहीं लिली, 7 दिन हो गए और मैंने गबरू को अपना वचन दिया था, और विकराल का वचन जान से भी बढ़कर होता है। कहाँ है हलवाई? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा। विकराल, उस हैवान हलवाई को पकड़ना तुम्हारे वश का नहीं। हट जाओ मेरे रास्ते से। हट जाओ। ये नहीं सुधरेगा। So stupid, sir. खैर, वो भूत ही क्या जो सुधर जाए। वैसे भी काम में कुछ मजा तो चाहिए ना, क्यों दोस्तों?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।